हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप टू सॉकेट और एक होल्डर को कनेक्शन कर सकते हैं। और इस कनेक्शन को करने के लिए मैं आपको नया तरीका बताऊंगा कि कैसे आप बिना स्विच के साथ सीरीज बोर्ड बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रंट साइड में जो दो तारें निकली हुई हैं, ये होल्डर से निकली हुई हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको न्यू वीडियो की। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है फ्रंट साइड, अब मैं बैक साइड कर लेता हूँ। तो ये आगे इसकी कुछ इस तरीके से बैक साइड। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों वायर को जो होल्डर के साथ आई है बाहर को, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के दिखाऊंगा सॉकेट में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है कनेक्शन दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ये दोनों वायर जो है सॉकेट के राइट साइड वाले इस सॉकेट में जो है एक वायर लगेगी और दूसरी भी यहीं पे लगेगी, ठीक है, दूसरे वाले सॉकेट में। तो एक वायर जो है आपको यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है गाइस, और दूसरी वायर जो है यहाँ पर लगा देनी है। तो मैं लगा देता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि कैसे जो है आगे कनेक्शन करना है, ठीक है। तो गाइस ये कनेक्शन कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉकेट को सॉकेट के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो इसके लिए मैंने एक वायर ली है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दो टर्मिनल दिखाई दे रहे होंगे जो बच गए हैं, एक सॉकेट का ये वाला और एक सॉकेट का ये वाला। इन दोनों को आपस में लगा देना है, ठीक है गाइस। तो मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस कनेक्शन तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ, आपको अगर ये वाली सॉकेट सीरीज बनाना है इसको, और अगर ये वाली सीरीज बनाना है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और कौन सी जो है सॉकेट जो है डायरेक्ट करनी है जिससे हम कोई भी और चीज़ जो है लगा सकें, जैसे चार्जिंग करनी हो मोबाइल में या कुछ भी, अगर आपको अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगानी हो सॉकेट में वो कैसे लगा सकते हैं, और किसी चीज़ को चेक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन की कोई भी चीज़ है, चाहे वो एक बोर्ड हो गया, कोई भी और चीज़ें अब काफ़ी हैं मार्केट में मिल जाती है, तो उसको टेस्ट करने के लिए सीरीज बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपको ये वाली सॉकेट जो है सीरीज वाली बनानी है तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है ये जो न्यूट्रल वाली वायर है इसको और इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है गाइस। और मेन वायर जो बाहर को दोनों को ले जानी है जिससे ये बोर्ड चले, वो आपको जो आपको सॉकेट जो है डायरेक्ट चलानी है जिसमें करंट आए डायरेक्ट ही, तो एक वायर यहाँ पे लगा देनी है आपने मेन वाली, और दूसरी वाली यहाँ पे लगा देनी है, और ये वाली जो सॉकेट है ये बन जाएगी आपकी सीरीज, ठीक है गाइस। इतना ही है, सिंपल है बिल्कुल ही। और इसका जो आगे कनेक्शन है वो हम कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगी, इसमें कोई भी और वायर नहीं लगेगी, इसमें सिर्फ दो वायर लगेंगी मेन वाली जो बाहर को आएंगी, ठीक है गाइस। तो अब मैं मेन वायर जो है लेके आ जाता हूँ बाहर को, उसके बाद आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्शन हुआ है, सही हुआ है या गलत हुआ है, ठीक है गाइस। तो मैं जल्दी जल्दी कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात ये टेस्टिंग की बारी, तो मैं मेन बोर्ड लेके आ जाता हूँ, उसके बाद आपको जो है टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। तो गाइज मैं मेन बोर्ड लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बल्ब चेक कर दिखाता हूँ कि ये सीरीज में है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये वायर बनाई है कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से बनाई है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को आपस से निकाल लेता हूँ,
जैसे मैं इन दोनों को टच करूंगा तो ये बल्ब जलेगा, अगर इन दोनों को टच नहीं करूंगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, तो इसका मतलब होता है सीरीज। ठीक है गाइस, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने, ये मैंने लगा दिया और इसको मैंने कर दिया ऑन। ठीक है गाइस, अब जैसे मैं इसको लगाऊंगा तो ये जल रहा है, ये देखिए जल रहा है। तो ये जो कनेक्शन है ये बिल्कुल सही हुआ है और ये हमारी सीरीज जो है बिल्कुल बन गई है। ठीक है गाइस, अब इस ये जो दूसरी वाली सॉकेट है इसको मैं इस चार्जर की मदद से चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने फ़ोन में लगाता हूँ और आपको आवाज़ आ जाएगी, अगर ये कनेक्शन जो है सही हुआ होगा तो ये आपको आवाज़ आ जाएगी कि चार्जिंग पे लग गया है मोबाइल। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, आपको आवाज़ आ गई होगी चार्जिंग लगने की मोबाइल की। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब करके रख लिया है ऑलरेडी, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नई वीडियो की। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।